जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके साथ वैष्णो देवी माता यात्रा के बारे में आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करूँगा। आप ये देख रहे हैं अर्धकुंवारी, ये रात के 2 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। यहाँ पर आपको रात को रुकने के लिए शैलपुत्री भवन, शारदा भवन और अन्य भवन मिल जाएंगे, लेकिन उनकी ऑनलाइन बुकिंग करवाना ज़रूरी होती है। अभी आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी के दर्शन कर रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है एक साझी छत को रास्ता जाता है और हिम कोटी को रास्ता जाता है, जो कि इजी रास्ता है। क्लॉक रूम दिखाया मैंने अभी आपको, जहाँ पे आप अपने बिलोंगिंग्स को जमा करवा सकते हैं। और ये देखिए, रात का समय है और किस तरह से कितनी चहल पहल है माता के दरबार पे, भक्तों के दर्शन करने के लिए जो जा रहे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे अलग अलग कैंटीन्स भी मिल जाएंगी, भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ती दरों पे और अच्छा खाना मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप देखें तो रात के समय भी कितनी चहल पहल है। यहाँ आपको रात के समय में विभिन्न सुविधाएं जैसे घोड़ा आदि मिल जाएगा, जो आपकी यात्रा को सुगम बना सकता है। ये मैं आपको शैलपुत्री भवन का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप 120 रुपये में डोरमेट्री रूम को एक बेड 120 रुपीज़ में बुक करवा सकते हैं। यहाँ सुविधाएं ठीक हैं, नहाने को गर्म पानी मिल जाता है और ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। ये मैं आपको शैलपुत्री भवन, जो कि अर्धकुंवारी में ही है, उसका दृश्य दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको बुकिंग काउंटर दिख रहा है, पर अगर आप ऑनलाइन बुक करवा लें तो सबसे बेटर है, क्योंकि ऑन द स्पॉट बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको मिले, क्योंकि ये डोरमेट्री पहले ही बुक रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती दर पर, यानी 120 रुपये की दर पर आपको एक बेड रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको कंबल भी मिल जाएगा, जो कि 500 रुपीज़ देकर, सिक्योरिटी देकर आप ले सकते हैं और वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आपको विभिन्न दुकानें मिल जाएंगी, सागर रत्ना मिल जाएगा, जो साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं, बिना लहसुन और प्याज के आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा। और बाकी और शॉप्स भी हैं, जहाँ पे आपको मिठाई, जलेबी, समोसा, पकौड़े, चाय इत्यादि मिल जाएगी। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कैंटीन्स हैं, जिनमें बहुत ही स्वादिष्ट चाय और राजमा चावल, कढ़ी चावल, दही बड़ा, अन्य चीज़। ये देखिए, डिस्पेंसरी का दृश्य देखिए अर्धकुंवारी में, आपको डिस्पेंसरी जो कि 24 घंटे खुली रहती है, कोई भी फिजिकल यानी आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई पेन हो, कुछ भी हो, आप यहाँ चेक करवा सकते हैं। आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। ये देखिए, भगत जन रात के समय कैसे माता के दरबार के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ से जम्मू का जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि आप रात में ये देखिए कितना चमकता हुआ जो है वो पूरा शहर नीचे से ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ यात्रा के लिए आ सकते हैं। घोड़ा मिल जाता है आपको, जो कि आपको 650 में अर्धकुंवारी तक, और अगर आगे और भवन तक जाना है तो 650 रुपये और लगाकर आप घोड़े की एक तरफ की सवारी कर सकते हैं। और अगर आप इकट्ठा ही बुक कर लेते हैं तो 1100 रुपये या 1250 में आपको घोड़ा मिल जाता है। ये देखिए, खाने की विभिन्न विभिन्न दुकानें हैं और आपकी ज़रूरत का सामान, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन इत्यादि आपको अर्धकुमारी में यहाँ मिल जाता है। खाने के देखिए कितनी अच्छी सुविधा है, और ये श्राइन बोर्ड के शेड्स हैं, यानी बारिश हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आपको आती, तो ये आप देख सकते हैं। और दूसरा, पालकी की सुविधा है, जिसके आपको 3150 रुपये कटरा से लेकर भवन तक पे करने होते हैं। और कई बार जो वो वैसे तो उनके रेट फिक्स हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, उसकी स्पेशल पर्ची कटती है, लेकिन वो कई बार रेट आगे पीछे करके आपसे मांगते हैं, लेकिन वो फिक्स प्राइस है, उसी प्राइस को देकर आप भवन तक की यात्रा कर सकते हैं। देखिए, रात का समय है। और दूसरा, अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, आप पैदल चलना चाहते हैं और बच्चे को आप वॉकर में बिठाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। 540 रुपये में कटरा से लेकर भवन तक वो वॉकर जो चलाता है, वो बच्चे को बिठाकर और आपका कुछ सामान रख के ले जा सके। देखिए, घोड़ा रात के 2 बजे के आसपास आपको कभी भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन पालकी का समय रात के समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 पर्सन उसको पालकी को उठाने में लगते हैं,
तो रात को आपको नहीं मिलेगा। और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा ये है, अगर बारिश आ जाए, शेड्स हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। और लाइट्स की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रास्ता जगमगाता रहता है। ये देखिए सीढ़ियों के द्वारा भी आप यात्रा कर सकते हैं, जगह जगह पे लिखा है कि यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ हैं, या आप ऐसे ये प्लेन रास्ता है इससे भी यात्रा कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करता है आप वैसे अपनी यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए ये रात का समय है और लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं पैदल ही, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, रास्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। आप और आप ये देखिए पूरे रास्ते में आपको हर जगह पानी की व्यवस्था मिलेगी, वो भी साफ़ सुथरा मिनरल वाटर, और गर्म चाहिए गर्म पानी मिल जाएगा, फ्रेश वाटर चाहिए वो मिल जाएगा, और आपको ठंडा पानी भी चाहिए वो भी जगह जगह बड़े साफ़ सुथरे ढंग से आपको मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ अर्धकुंवारी में, जब जहाँ ये अर्धकुंवारी को जा रहा है रास्ता, और ये दूसरा रास्ता है, दोनों रास्तों से आप माता के भवन तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए एक 6.5 किलोमीटर है और एक 5 पॉइंट, ये जो रास्ता दिख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आसानी से ये नीचे को जा रहा है रास्ता, आप माता के भवन तक पहुँच सकते हैं। अब मैं फिर आपको ले आया हूँ अर्धकुंवारी पे, ये देखिए रात के 3:30 बजे के आसपास मैं आपको दृश्य, ये देखिए गर्भजून पर्ची यहाँ से मिलती है, जहाँ पे गर्भजून का जो गुफा का दर्शन कर सकते हैं, छोटे बच्चों को दूध पिलाने का स्थान है अलग से, कंबल स्टोर है, कंबल मिल जाएगा आपको 100 रुपये देकर सिक्योरिटी, आप कंबल ले सकते हैं बाद में सोच। ये भवन जाने का रास्ता अर्धकुंवारी से ही, और यही रास्ता कटरा को भी डाइवर्ट हो जाता है अगर आप अर्धकुंवारी से जाना चाहते हैं। उसके बाद ये देखें अर्धकुंवारी के दर्शन कीजिए, उसके बाद देखिए ताराकोट से होते हुए कटरा को भी रास्ता चला, तो यानी अर्ध, ये देखिए शारदा भवन है, यहाँ पे भी आप रूम बुक करा सकते हैं ऑनलाइन, ऑन द स्पॉट भी हो जाते हैं लेकिन बहुत कम। ये देखिए अगर बहुत कम ऑप्शनिटी आपको रूम मिल जाए, देखिए रोड कितना साफ है, यहाँ पे घोड़े चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और फिसलन की कोई भी दिक्कत नहीं, इस तरीके से टाइटिंग लगाई गई है कि कोई दिक्कत नहीं, श्रद्धालु कैसे घोड़ों के ऊपर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। ये देखिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वॉशरूम हर जगह आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की भी, अगर आप आराम आराम से चलते। ये देखिए ये सुबह का दृश्य, लगभग 7 बजे का शैलपुत्री भवन, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया 120 रुपये के हिसाब से। और ये देखिए आप अगर पैदल यात्रा करते हैं, आप अपने बच्चे को उठा नहीं सकते पूरे रास्ते, तो आप वॉकर ले सकते हैं, बच्चे को वो वॉकर में बिठाते हैं, साथ में सामान रखते हैं, और 540 रुपये में आपको भवन तक पहुँचा देते हैं, और ये फिक्स रेट है। ये देखिए कैसे मतलब वॉकर में बिठाइए, आप पैदल चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सभी जगह शेल्टर है ऊपर, यानी बारिश भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए भोजनालय जगह जगह, वो भी श्राइन बोर्ड के, बहुत किफ़ायती दरों पे खाना मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी आपको, और अगर आप कहीं रुकना चाहते तो बेंचेस भी बीच बीच में आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये रास्ता देखिए कितना साफ़ है, यहाँ से बैटरी कार जाती है जो कि अर्धकुंवारी से भवन तक आपको ले जाती है, उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑन द स्पॉट भी हो जाती है लेकिन बहुत कम टिकटें होती हैं। ये देखिए 200 पॉइंट, खाना खा सकते हैं जो आपका मन चाहे, ये देखिए इसके कैंटीन भोजनालय है श्राइन बोर्ड का, वो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भवन से भवन मंदिर तक रोपवे, यहाँ से आप आसानी से, ये देखिए रोपवे का दृश्य अंदर से किस तरह से बड़ा ही सुंदर, 5 या 10 मिनट में आप, और 100 रुपीज़ लगते हैं इसके अप डाउन के, तो आप आसानी से यहाँ यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी लाइन लगती है लेकिन यहाँ टिकट मिल जाती है भीड़ होने के बावजूद भी जल्दी टिकट। ये देखिए एंड में जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो इस तरह का दृश्य है रोप वे के थ्रू, बड़े आराम से बड़े ही, काफ़ी लोग इसमें आ जाते हैं और काफ़ी लोगों को आसानी से, क्योंकि ये यहाँ की जो चढ़ाई है तो कम है, 2-3 किलोमीटर होगी लेकिन थोड़ी ऊंची चढ़ाई है, कर सकते हैं आप लेकिन थोड़ी ऊंची चढ़ाई है, तो कुछ श्रद्धालु जो मैक्सिमम है वो रोप वे को ही प्रेफर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने आज आपके साथ माँ वैष्णो देवी यात्रा के बारे में जानकारी साझी करने की कोशिश की है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अगर आपने इसमें यात्रा करने से पहले यात्रा पर्ची बुक करवानी है तो आप माँ वैष्णो देवी .org साइट के ऊपर जाकर अपनी यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं जिस दिन आपने यात्रा शुरू करनी है। उसके बाद आप या
माँ वैष्णो देवी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी यात्रा पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन दोनों ही साइट और ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, दोनों के लिंक और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले यही दोनों साइट्स हैं जहाँ से आप अपनी यात्रा पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ रूम भी बुक कर सकते हैं। कई बार जो साइट होती है उसके ऊपर रूम बुक नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में आप ऐप पर आसानी से रूम्स बुक कर सकते हैं। रूम आपको नीचे जहाँ कटरा में आपको मिल जाएंगे, त्रिकुटा भवन, शक्ति भवन और कई अलग अलग तरह के स्थान हैं जहाँ पर आप अपना रहने का स्थान बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा मनोकामना भवन हो गया भवन के पास ही, और उसके अलावा जो अर्धकुमारी भवन है वहाँ पे आप शैलपुत्री भवन और साथ ही शारदा भवन और कई ऐसे स्थान हैं जिनको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अपनी प्लानिंग पहले से करेंगे तो आप आसानी से रूम बुक कर पाएंगे, एट ए टाइम आपको आसानी से रूम बुक नहीं हो पाते हैं, तो एडवांस में आपको अपने रूम्स की बुकिंग करनी होती है। और यदि आप इतने टैक्सी भी नहीं है कि आप अपने आप ही रूम बुक कर सकें, यात्रा पर्ची बुक कर सकें, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं या जिनको बुक करने आते हैं उनसे आप करवा सकते हैं, बहुत आसान है। तो वहाँ जाकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। और जब हम अर्धकुमारी भवन तक पहुँचते हैं उसके बाद अगर आप बैटरी कार बुक करना चाहते हैं तो 49 अबव एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो ऑनलाइन बुक हो जाती है। और अगर आप, जैसे पहले ही बात हुई कि आप घोड़े के द्वारा सफ़र करना चाहते हैं, तो आपके कटरा से लेकर भवन तक का जो किराया पड़ता है वो 1250 या 1100 में आप घोड़ा कर सकते हैं, या अगर आप अर्धकुंवारी तक जाएंगे तो 650 तक, और अर्धकुंवारी से आगे फिर द्वारा जाएंगे तो फिर 650 रुपीज़ लगेंगे, और पालकी के आपके 3150 रुपये लगेंगे। और अगर आप वॉकर को लेकर जाएंगे, बच्चे को बिठा के उसमें या उसमें बैग रखेंगे, तो आपके 540 रुपये कटरा से लेकर भवन तक लगेंगे। तो इस तरह से अगर आप एडवांस में अपनी यात्रा प्लान कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यात्रा पर्ची आप अगर नहीं भी बुक कराते तो वहाँ आप जब एंट्री करते हैं तो यात्रा जो कटरा जो बस स्टैंड है उसके पास ही यात्रा पर्ची बुक करने की ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाती है, परंतु अगर आप ऑनलाइन कर लेंगे तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी कहा कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही कपड़े लेकर जाएं। अगर आप अधिक बैग उठा लेते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आती है। अगर आप वहाँ रुकते हैं तो कंबल आपको आसानी से मिल जाते हैं, जैसे शैलपुत्री भवन पे आपको 500 रुपये में एज ए सिक्योरिटी कंबल मिल जाता है, जब आप वापस करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। 100 रुपीज़ में आपको भवन के पास एक धर्मशाला है वहाँ पे 100 रुपीज़ में कंबल मिलता है, वो 100 रुपीज़ जब आप जब कंबल वापस करेंगे तो आपको जो पैसे आपके वापस मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे कंबल वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम कपड़े लेके जाइए, और सबसे ज़रूरी है जब माता के दर्शन करते हैं तो उससे पहले स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद जो भी सामान होता है उसको आपको लॉकर में जमा कराना पड़ता है, तो वो भवन के पास ही लॉकर अवेलेबल है, मनोकामना भवन में भी है, अगर आपका रूम बुक है तभी आप वहाँ सामान रख पाएंगे, नहीं तो उसके पास में ही मनोकामना भवन के पास ही एक स्थान है, वहाँ पे बहुत सारे लॉकर हैं, वहाँ आसानी से आप अपना सामान रख सकते हैं। और अपनी यात्रा इस तरह से प्लान कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दूसरी बात कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके पास पर्स कोई भी चीज़ लेदर की हो, घड़ी हो जिसमें लेदर का पट्टा लगा हो, और कोई भी चीज़ आपको वहाँ ले जाने नहीं दी जाती, आपसे वहीं रोक लिया जाता है आपको, इस करके कोई फालतू चीज़ ना उठाएं। सिर्फ आप पैसे ले जा सकते हैं, चुनरी माता को चढ़ाने के लिए जा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई भी सामान अपने साथ कैरी नहीं कर पाएंगे आप, तो बेटर यही है कि कम से कम सामान लें और अपने जो दर्शन है वो आसानी से कर पाएँ। इसके अलावा आपको जो ये सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है कि अगर आप जो आरती होती है
माता की भवन के पास, उसको भी ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। एक पर्सन के उसे आरती को अटेंड करने के लिए 2000 जो है भेंट ली जाती है ऑनलाइन, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, वैसे भी आप वहाँ जाकर करवा सकते हैं, तो वो भी आप एडवांस में ऑनलाइन करवा सकते हैं, आसानी से हो जाती है। और जब भी आप अपने माँ वैष्णो देवी की जो साइट है या ऐप है उसके ऊपर आपको लॉगिन बनाना पड़ता है, आप आसानी से अपनी जो भी सर्विसेज है बुक करा सकते हैं, हेलीकॉप्टर तक आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। लेकिन जो भी आपने बुक कराना है उसको बिफोर हैंड, ये नहीं कि आपने कल जाना और पिछली रात आप बुक कराएं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको टाइम नहीं मिल पाता। आप कुछ 1 महीना 2 महीने पहले या 10-15 दिन पहले ट्राई कीजिए, तब आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात है, आप अगर गूगल पे वैसे भी अगर नंबर डालेंगे कि आप अपना कोई क्वेरी चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो कस्टमर केयर नंबर अवेलेबल है, 24 आवर्स आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई अगली यात्रा के बारे में टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय माता दी, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।